नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे बिहार सरकार द्वारा निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वीडियो को कृपया अंत तक देखें। लघु जल संसाधन विभाग 7 निश्चय योजना 2 हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 30,000 रुपये नलकूपों पर अनुदान। जाने अनुदान का लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया। इसकी जो विशेषता है, 4 से 6 इंच व्यास के निजी नलकूपों यानी कि 15 से 17 मीटर गहराई तक पर अनुदान मिलेगा। 2 से 5 HP के मोटर पंप पर अनुदान दिया जाएगा। न्यूनतम 40 डिसमिल भूखंड की पात्रता होनी चाहिए। अनुदान का भुगतान 2 चरणों में आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 4 से 6 इंच के व्यास के नलकूप जो 15 से 17 मीटर गहराई तक जाएगी, 2 से 5 HP के मोटर पंप और न्यूनतम 40 डिसमिल जमीन होनी चाहिए जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। अनुदान को इस प्रकार बांटा गया है। अनुदान अवयव लागत रुपए, सामान्य वर्ग 50%, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग 70%, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 80% का अनुदान है। बोरिंग प्रति मीटर लागत 1200 रुपये, सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये अनुदान, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 840 रुपये अनुदान और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 960 रुपये का अनुदान। मोटर पंप सेट प्रति मीटर 2 HP, 3 HP, 5 HP तक है, उसका लागत जो है 2 HP के लिए 20,000, 3 HP के लिए 25,000 और 5 HP के लिए 30,000 रुपये तक का लागत हो सकता है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 10,000 का अनुदान, 2 HP वाली मोटर पे 3 HP वाले पे 12,500 और 5 HP वाले पे 15,000 रुपये का अनुदान। पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2 HP, 3 HP, 5 HP के लिए 14,000 का अनुदान, 17,500 का अनुदान और 21,000 रुपये का अनुदान। उसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 2 HP पंप के लिए 16,000, 3 HP पंप के लिए 20,000 और 5 HP पंप के लिए 24,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। अब आवेदन की प्रक्रिया एवं इसकी स्वीकृति कैसे होगी उसी के बारे में जान लेते हैं। पूर्व से सर्वेक्षित प्लॉट या स्थलों पर आवेदन विभागीय अभियंताओं द्वारा चिन्हित स्थल पर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात कृषि विभाग के सरकारी कर्मियों द्वारा जांचे गए स्थल पर इसकी जांच की जाएगी। किसानों के द्वारा भी नए आवेदन किए जाएंगे। किसान की व्यक्तिगत जानकारी लेने के अतिरिक्त आधार का सत्यापन किया जाएगा। संबंधित अभिलेखों जैसे जियो टैग, फोटो, भूधारकता प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, अन्य विभाग से लाभ न लेने का घोषणा पत्र आदि लिए जाएंगे। नलकूप अधिष्ठापन की स्वीकृति विभागीय अभियंताओं के द्वारा स्थल निरीक्षण व जांच के बाद की जाएगी। आवेदन प्राप्ति, स्वीकृति व अस्वीकृति की सूचना किसान को दी जाएगी। तो यह निजी नलकूप योजना की जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बिहार की सभी छोटी बड़ी अपडेट जैसे PM किसान, DBT, कृषि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अपडेट सबसे पहले मिले। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।